Good morning friends. Today I am going to discuss on converting Newman projection formula to Fisher projection formula. पिछले चार वीडियो में लगभग लगभग सारे कन्वर्टिंग फॉर्मूले सिखा चुका हूँ, सहर सब रह गया है, अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। आज बता रहा हूँ न्यूमैन को हम फिशर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी 3D फॉर्मूले को 2D में कन्वर्ट करना है, जो कि काफी आसान होता है। चलिए सीख लीजिए इसको। कन्वर्टिंग न्यूमैन प्रोजेक्शन टू फिशर प्रोजेक्शन। सबसे पहले आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन तो बनाना मैं आपको सिखा ही चुका हूं, तो बस न्यूमैन फॉर्मूला और फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला आपको दोनों बना के बता देता हूँ, उसके बाद इसको कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। तो देखिए ये रहा हमारा, इसे एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। एक सर्कल बनाइए और इस सर्कल में इस टाइप का बाई टाइप का सिंबल सीधा बना दीजिए। मैंने उसमें बताया था आप उल्टा भी बना सकते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप ऐसा सीधा बाई बनाइए इसमें और जस्ट इसका उल्टा बाई बना दीजिए। उल्टा बाई कैसे बनेगा, ये लाइन ऊपर कर दो और इसको ऐसे दिखा दो, ये देखिए ये आपका बनके तैयार हो गया न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसमें अभी मैंने कुछ जोड़ा नहीं है, उसके बाद ही आपकी समझ में आएगा। इसमें यहां पर मैं लगा रहा हूं CH3, इधर H है, मान लीजिए यहां पर OH है, यहां भी CH3 है, यहां पर H है और यहां पर BR है। ये जो मैंने फॉर्मूला बनाया है ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले का स्टेजर्ड फॉर्म है, यानी देखिए ये वाला जो फ्रंट कार्बन है, ये आप देख रहे हैं ये वाला कार्बन, ये फ्रंट कार्बन कहलाता है। इसको भी आप लिखना चालू कर दीजिए फ्रंट कार्बन। इसमें ये पीछे जो सर्किल बना हुआ एक कार्बन है, जिससे कि ये 3 एटम अटैच है, तो इसको अपन लिखेंगे रियर कार्बन या बैक कार्बन, बैक कार्बन। ठीक है, बस इतना समझ आए, एक फ्रंट कार्बन और एक बैक कार्बन है इसमें, और ये जो फॉर्म है वो कहलाता है स्टेजर्ड फॉर्म, स्टेजर्ड फॉर्म। सबसे स्टेबल माना जाता है न्यूमैन प्रोजेक्शन में, ये स्टेजर्ड फॉर्म है। लेकिन जब भी हमें न्यूमैन प्रोजेक्शन को फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है, तो बड़ी छोटी सी सिंपल आप दिमाग में बात रखिए कि फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला केवल और केवल इक्लिप्स फॉर्म में ही होता है। तो पहले हम इस वाले पार्ट को इक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद हम फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसको मैं क्या करूँ, सबसे पहले स्टेजर्ड फॉर्म को इक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे कन्वर्ट, बड़ी सिंपल सी बात है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको ये बैक कार्बन को 180 डिग्री पर रोटेट कर दीजिए, 180 डिग्री पर रोटेट बैक कार्बन। कितना सिंपल है, इस बैक कार्बन को 180 डिग्री पर आप रोटेट कर दीजिए तो इक्लिप्स में बन जाएगा, यानी ये आपका फ्रंट कार्बन है और ये बैक कार्बन को आपको रोटेट करना है। तो देखिए जो पहले से ये 3 पार्ट आप देख रहे हैं, जस्ट इसके पीछे चले जाएंगे ये 3 पार्ट, ये CH3 इसके पीछे आ जाएगा, H इस BR के पीछे चला जाएगा, OH इस H के पीछे चला जाएगा। तो देखिए स्ट्रक्चर आपको ये दिखाई देगा, ये देखिए ये तो हमारा फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन से जो कुछ जुड़ा हुआ है इसको देखो, लेफ्ट हैंड साइड में H है, राइट में BR है और नीचे डाउन कंडीशन में CH3 है।
उसके बाद बैक कार्बन को रोटेट करना, तो सी एस थ्री सी एस थ्री के पीछे चला जाएगा, ये एच इस बी आर के पीछे चला जाएगा, और ये ओ एच इस एच के पीछे चला जाएगा। इसे छोटे बॉन्ड के रूप में दिखाया, जस्ट इसके बैक में चला गए। ये आपका है इक्विलिब्रियम फॉर्म। आपने कन्वर्ट कर लिया, ये पहला फॉर्म होता है, बस उसके बाद आपको जस्ट इसे फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इनटू फिशर प्रोजेक्शन, यहां पर क्या लिख रहे हैं, कन्वर्ट इंटू इक्विलिब्रियम फॉर्म। कैसे होगा फॉर्म में, रोटेट करने पर 180 डिग्री पर, 180 डिग्री पर इसको रोटेट करना है, बैक आर्म को रोटेट करना है, इस टाइप से आप इसको बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला मैंने आपको बनाना बताया है, कन्वर्जन आपको बता रहे हैं, तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में इस टाइप का आपको दिखाई देता है। देखिए ये सीधी एक लाइन होती है, इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, उस पर टू हॉरिजॉन्टल लाइन आपको खींचना है। अगर वन किरल कार्बन होता तो एक ही लाइन खींचते हॉरिजॉन्टल, इसमें टू किरल कार्बन है वन एंड टू, तो हम टू। अब इसमें जो नीचे वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, इसको फ्रंट कार्बन कहेंगे, जिसमें इसको फ्रंट कहा गया है, तो यहां पर ये फ्रंट कार्बन होता है, और ये वाला जो कार्बन है ये बैक कार्बन कहलाएगा, ये बैक कार्बन है। तो फ्रंट और बैक का हमें पता होना चाहिए, ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें लेफ्ट और राइट जो आप देख रहे हैं वो इसमें रहे, बस इतना सा आपको करना है। अब आपको जो जहां जैसा लिखा हुआ उसे जस्ट वैसा लिख देंगे। फ्रंट कार्बन हमारा कौन सा है, ये वाला है, और इस फ्रंट कार्बन में ये वर्टिकल लाइन है, तो ये फ्रंट कार्बन में ये वाला लाइन नीचे की तरफ है ये वाली, तो यहां पर हम सी एस थ्री एड, ठीक है, और इस पर लेफ्ट में एच है तो यहां पर एच रख दीजिए, और राइट में बी आर है तो यहां पर बी आर, बस इतना सा आपको करना है। और उसके बाद बैक वाले कार्बन पे जाइए, ये बैक कार्बन है, तो इसमें पीछे की तरफ सी एस थ्री कहां है, जस्ट ऊपर की तरफ है ये वाला, इसके पीछे है, और इसमें ओ एच और एच ये आप जो देख रहे हैं, तो ये ओ एच किस साइड में, इधर है लेफ्ट में, और एच ये राइट में। ये देखिए स्ट्रक्चर बनके आपका तैयार होगा, कभी कोई गलती की संभावना नहीं होगी। अदर चीजें मैं आपको डैश फॉर्मूले बैच फॉर्मूले सब बताए, कहां किसको रखना है, किसको कब रखा जाता है, यहां पर हमारा बैच डैश कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, इससे कोई आपको डिस्टर्बेंस होगा भी नहीं, और अगर आपको जानना है तब भी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है। अगर इस फॉर्मूले को ये आपका एक कन्वर्जन है बड़ा सिंपल सा, अब देखिए जैसे मान लीजिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, ये बिल्कुल इस टाइप का है, ये देखिए ये स्ट्रक्चर इस टाइप का है, देखिए ये वाला, ये फ्रंट कार्बन है, देख लीजिए आप, ये फ्रंट कार्बन है, इसमें नीचे सी एस थ्री है, इधर एच है, और इधर ओ एच लगा हुआ है, इस टाइप से है ये, सेम कंडीशन इसमें है। पीछे वाला कार्बन हमारा ये वाला है, इस कार्बन में आप देखेंगे, देखो ये वाला फ्रंट का ये बाई बना हुआ है, देखो बाई दिख रहा होगा ऊपर की तरफ बाई, और पीछे वाले में आपको क्या करना है, देखो पीछे वाला कार्बन उल्टा बाई है बिल्कुल, जैसे आपको ये दिख रहा है, देखिए ये उल्टा बाई है, सी एस थ्री इसमें ऊपर की तरफ आ गया, ये वाला ऊपर की तरफ आ गया, ये आपका फ्रंट कार्बन है, ये वाला कार्बन फ्रंट कार्बन, ये वाला कार्बन आपका फ्रंट कार्बन है, ध्यान से देखेंगे, बस आपको बैक वाले कार्बन को रोटेट करना है। अभी देखो ऐसे करके देखोगे तो सी एस थ्री का देखो ये प्लेन पर दिखाई दे रहा है, ये प्लेन है, ये वाला प्लेन है, तो ये आपको ये वाला ऊपर सी एस थ्री और ये नीचे सी एस थ्री, इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको मिलता है। बस आपको इसको आगे वाले को कुछ नहीं करना है, पीछे वाले को रोटेट करके 180 डिग्री पर रोटेट कर देते हैं, क्या देखेंगे आप, दोनों सी एस थ्री एक दूसरे के पीछे हो गए, देखिए ये देखिए ये येलो कलर वाला, ऐसे करके यानी सारे स्ट्रक्चर एक दूसरे के पीछे हो गए, देखो ये व्हाइट वाले के पीछे रेड वाला हो गया, जो कि यहां पर एच था,
ये वाला एच था और ये दूसरी साइड में उसी साइड में क्या था वो एच था। ये वाला देखिए एच के पीछे वो एच हो गया। तो ये आपका इक्लिप्स फॉर्म है जिसमें बैक कार्बन को 180 डिग्री पर रोटेट कर दीजिए और जैसा स्ट्रक्चर दिखे वैसा लिख दीजिए, लेकिन आपके पास ये स्ट्रक्चर थोड़ी होगा बनाने के लिए वहां। तो चलिए इससे पहले इसको वहां पर आपको बताया, ये फ्रंट कार्बन मानिए इसको, ये फ्रंट कार्बन है, इसके पीछे वाला बैक कार्बन को मैंने सर्कल बनाया हुआ है, लेफ्ट और राइट में जो आपको बाई दिखाई दे रहे हैं उल्टा बाई और सीधा बाई इसको बना दीजिए और इक्लिप्स पे कन्वर्ट करके इक्लिप्स को जैसा था जैसा यहाँ पर फिट कर दिए। फ्रंट कार्बन नीचे को मान लीजिए, बैक कार्बन ऊपर बनेगा और लेफ्ट राइट में जो जुड़ा हुआ है उसको जोड़ सकते हैं। तो इस टाइप से आप इस फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हो एकदम बढ़िया तरीके से। और इसमें और ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि कन्वर्ट काफी मैं सिखा चुका हूँ, बस इस तरीके से आप बनाइएगा। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।